खबर आजमगढ़ जनपद के लालगंज से है, जहां लालगंज स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम पर आज मूक बधिर व दृष्टि बाधित बच्चों के लिए तहसील स्तर पर एक मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, जिसमें तहसील के कई दर्जन बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर इन बच्चों के प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोतवाली उप प्रभारी मानसिक चंद तिवारी ने सर्वप्रथम फीता काट कर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दिया। विद्यालय की बच्चियों ने आए अतिथियों के स्वागत गीत प्रस्तुत किए। बाद में खेलकूद प्रतियोगिता बच्चों की कराई गई। मूक बधिर बच्चों के कुर्सी दौड़ में वहाँ UPS देवगांव प्रथम, शुभम बदंसा व अक्रम ने जहाँ क्रमशः प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वही रस्सा कसी मानसिक मंद बच्चों को कैटेगरी में क्रमशः UPS मौलानापुर के सुमंत ने प्रथम स्थान पर बाजी मारी। वहीं द्वितीय स्थान पर PS देवगांव प्रथम के सिवा रहे, तृतीय स्थान पर PS इस्माइलपुर बरहतील के अवशेष रहे सामग्री को छूकर पहचानने की प्रतियोगिता में UPS रसूलपुर की नीलम में जहां प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं उसी विद्यालय की सविता द्वितीय स्थान पर रही। अल्पदृष्टि बाधित निबंध प्रतियोगिता में PS मौलानापुर के विकास प्रथम स्थान पर रहे, वहीं UPS कली बच्चाबाद के लकी दूसरे स्थान पर रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि देवगांव कोतवाली के उप प्रभारी सुनील चंद तिवारी ने कहा कि इन बच्चों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, जिसे निखारने के लिए ही ऐसे आयोजन का किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार कर सके, इसलिए इन्हें उनके अभिभावक भी प्रोत्साहित करते रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लालगंज खंड शिक्षा अधिकारी सुनील चौबे ने आए अतिथियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिस प्रकार से समाज सामान्य बच्चों के लिए तत्पर है, उसी प्रकार इन बच्चों के लिए भी लोगों को आगे आना होगा, तभी तो हुनर बनाया जा सकेगा। कार्यक्रम का संचालन दयाशंकर ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सूफियाना श्याम कन्हैया, विनय सिंह, प्रमोद यादव, कामिनी दीक्षित, दुर्गावती देवी, संगीता यादव, रीता सिंह, संगीता देवी, छुन्ना पाल, रत्नेश कुमार, संजय राम, सुनील कुमार, नागेंद्र प्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे।